जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा यानी कि AFMS रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का 13 से 19 नवंबर 2021 का एडिशन है और इसी के अंदर इस भर्ती का अनाउंसमेंट किया गया है। आप यहां पर पेज नंबर 20 पर देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है ये उन्हीं को अभी शो होगा जिनके पास पेड सब्सक्रिप्शन है। फ्री वाले इसको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी नहीं देख सकते। तो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिसेंटली आया था जिसके अंदर आपको इसकी जानकारी दी गई थी। तो मैं आपको यहां पर ये जानकारी डिटेल में बताता हूं। और अगर आप ये नोटिफिकेशन खुद से भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट जॉब्स ज्ञान को गूगल के अंदर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने यहां पर होम पेज आ जाएगा जहां पर आपको टुडे बेस्ट जॉब के अंदर AFMS रिक्रूटमेंट 2021 पोस्ट देखने को मिलेगी। आपको ये पोस्ट ओपन करनी है। अगर आप इस पोस्ट को यहां पर नहीं देख पा रहे होम पेज पर, आपको वेबसाइट के सर्च बॉक्स में AFMS सर्च करना है और फिर इस पोस्ट को ओपन करना है जहां पर मैंने नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी लिखित में दी है। बट मैं भी आपको डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही जानकारी दिखाने वाला हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके 200 वैकेंसी है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप के बारे में, जो कि इंडिया का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है जहां पर आप डिफेंस एग्जाम्स यानी कि CDS, FCAT, CAPF एंड SSB इंटरव्यू से जुड़े हुए प्रत्येक क्वेरी को क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि यहां पर जो CDS है, इसमें कौन लोग अप्लाई कर पाते हैं, इसमें अप्लाई का तरीका क्या है और अप्लाई करने के बाद आपको कहां पर एंट्री मिलती है, एज लिमिट क्या रहती है, इसके अलावा इसमें कौन से जेंडर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं, मैरिड अप्लाई कर पाते हैं या फिर अनमैरिड, इसका पूरा स्टेटस आपको यहां पर इन बैचेस को ज्वाइन करने के बाद मिलेगा। FCAT क्या है, इसके बारे में आपको यहां पर पूरी जानकारी इस बैच को ज्वाइन करने के बाद में मिलेगी। यानी कि अगर आप बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप को ज्वाइन करेंगे तो आपको इन सभी एग्जाम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी यहां पर दी जाएगी, जो कि आपको डिफेंस टीम एट बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन यानी कि आपको इन बड़े बड़े टीचर्स के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी जिनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है और काफी इन्होंने काफी कैंडिडेट को जो एक सक्सेसफुल है वो दिलाई है अपने यहां पर प्रिपरेशन करा करके। तो यहां पर आपको क्या क्या चीजें ऑफर की जा रही है वो आप देख लीजिए। डाउट क्लियरिंग, क्विज टू ट्रैक, फुल लेंथ टेस्ट, मॉक SSB डिस्कशन टू हेल्प एस्पिरेंट क्लियर इंटरव्यू, यानी कि ये सभी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। स्टूडेंट्स का रिव्यू भी आप यहां पर देख सकते हैं जिन्होंने इसके माध्यम से प्रिपरेशन करके एग्जाम को क्रैक किया है। इसके अलावा आपको यहां पर ये कोर्स किस क्यों लेने हैं उसके बारे में आपको यहां पर जानकारी दी गई है कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं इन एग्जाम्स के बारे में जो कि मैंने आपको बताई है, तो आप यहां पर इनकी जो बैच है वो ज्वाइन कर लेनी है। और आपको जो ज्वाइन लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्राइजेस के बारे में आपको यहां पर जानकारी दी है। अगर आप यहां पर कोई भी महीने का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हो तो आपको न्यू 10 कोड को इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने पर 10% की छूट आपको तुरंत मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिया है, जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि 180 पोस्ट मेल के लिए है और 20 पोस्ट फीमेल के लिए है। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें सिलेक्शन आपका किया जाएगा वो आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा और इंटरव्यू आपका दिसंबर 2021 में दिल्ली में होगा। और इसके बाद आती है आपकी क्वालिफिकेशन। तो इस पर अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपकी पोस्ट का नाम है शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर यानी कि SSC ऑफिसर। तो इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे MBBS या फिर स्नातकोत्तर डिप्लोमा यानी कि PG डिप्लोमा या फिर PG डिग्री, ये इनमें से आपके पास अगर एक भी क्वालिफिकेशन है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर बात आती है आपकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें, यहां पर बोला कि अभ्यर्थी की आयु 31 दिसंबर 2021 को MBBS या फिर डिप्लोमा धारक के लिए 30 वर्ष, यानी कि जिनके पास MBBS और डिप्लोमा है
वो कैंडिडेट के लिए आपकी उम्र 31 दिसंबर 2021 तक 30 साल से कम ही रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बट जिनके पास स्नातक कोर्ट डिग्री यानी कि पीजी डिग्री है उनके लिए एज लिमिट 35 साल मैक्सिमम रखी गई है, यानी कि वो 35 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर नीचे ये बोला कि पात्रता शर्तों के लिए 13 नवंबर 2021 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर चेक करें। तो जो आपका 13 नवंबर 2021 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है वो आ चुका है, ये आपका डिटेल में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको दिखाने वाला हूँ और यहाँ से आपको ये जानकारी कन्फर्म करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपको बोला कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। आपके फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 13 नवंबर 2021 से स्टार्ट होंगे और 30 नवंबर 2021 तक आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे। अभी आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए लिंक एक्टिवेट होने पर फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊँ। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर जो अन्य जानकारी है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारी आपको डिटेल में हिंदी के अंदर दी गई है, आप इन पॉइंट्स को रीड कर लीजिए। योग्यता के बारे में यहाँ पर आपको और डिटेल में बताया, जैसे कि आवेदक के पास भारतीय चिकित्सा परिषद यानी कि MCI अधिनियम 1956 की पहली या फिर दूसरी अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग 2 में निहित चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए, यानी कि आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आवेदक का किसी राज्य चिकित्सा परिषद या फिर MCI में स्थायी पंजीकरण होना चाहिए, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी होना चाहिए। राज्य चिकित्सा परिषद MCI NBE से स्नातक कोर डिग्री या फिर डिप्लोमा धारक भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जिनके पास ये क्वालिफिकेशन होगी वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आप यहाँ से कन्फर्म कर लीजिए, जो इंटरव्यू का पैलेस है वो दिल्ली होने वाला है। और यहाँ पर तो आपसे जो शुल्क है वो 200 रुपये लिया जा रहा है, यानी कि आपसे अप्लाई करने के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी, जो कि आपको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को भरना है। साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र, कॉल लेटर, ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ही साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, यानी कि आपका जो कॉल लेटर आएगा वो ऑनलाइन ही होगा। वो टाइम आने पर कैसे डाउनलोड किया जाएगा आपको बता दिया जाएगा, अगर आप चाहेंगे कि इसके बारे में मैं आपको आगे भी अपडेट करता रहूं। यहां पर आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, बेसिकली अभी बस आपको वेट करना है कि जब कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो। सेम जानकारी आप यहां पर इंग्लिश के अंदर भी रीड कर सकते हैं, जो कि अभी आपने हिंदी के अंदर रीड की है। और वैसे मैंने ये जानकारी जैसे कि मैंने बताया हमारी वेबसाइट jobsgyan.in के ऊपर अपडेट कर दी है, यहां पर आपको नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दिया है, इंपॉर्टेंट दी है, और जो भी इसकी जानकारी अभी तक आई है वो सभी यहां पर दी गई है। बस आपको बताना है कि मुझे फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। तो यही थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।